तो फिर कुछ इस तरह से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री फायर गेम प्ले वीडियो फेस कैम के साथ कैसे अपने स्मार्टफोन से ही आप बना सकते हो, काफी आसानी से। दोस्तों, आपके पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप का जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से अपने स्मार्टफोन से फ्री फायर गेम प्ले वीडियो वो भी फेस कैम के साथ काफ़ी आसानी से आप बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों, काफ़ी सारे अपने वीडियो देखा ही होंगे कि फ्री फायर गेम तो चलता है और बैकग्राउंड पे फ्री फायर गेम चल रहा है और इधर में कन्नाड़ पे जो कि फ्री एक बंदा बैठ के जो कि फ्री फायर गेम खेल रहा है, तो वो कुछ इस तरह का वीडियो अपने काइन मास्टर से काफ़ी आसानी से आप बना सकते हो। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, दोस्तों आपके पास दो मोबाइल होना चाहिए, एक तो जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो ऐसा मोबाइल होना चाहिए और आपके हाथों में एक मोबाइल होना चाहिए, चाहे आपके फ्रेंड का हो चाहे आपके घर का कोई भी मेम्बर का मोबाइल हो, तो दोनों एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए और एक में आपको फ्री फायर गेम ऐसा करके खेल लेना होगा सबसे पहले, और सामने एक मोबाइल रहेगा उसमें आपको रिकॉर्डिंग कर लेना होगा। और आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर से आपको स्टार्ट करना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा और यहाँ से आपको जैसे ही आपने यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे करके आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको कर लेना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इस साइड में आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रिकॉर्डिंग कर लेना होगा, सामने कैमरा रहेगा वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर रहा हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा, बोलना होगा कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है, अब यहाँ पर कर रहा हूँ गेम रैंक फ्री फायर रैंक मैच गेम प्ले। तो ऐसा करके आपको बोलना होगा, ठीक है, जो जैसे आपने बताते हो वैसे आपको बोलना होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग हो रहा है और यहाँ पर भी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो दोनों वीडियो एक ही मोबाइल में ट्रांसफ़र कर लेना होगा, गेम फाइल से या कोई भी ऐप से आपको एक ही मोबाइल में आपको ट्रांसफ़र कर लेना होगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, एक आपको काइन मास्टर पर जाना होगा। काइन मास्टर पर जाकर दोनों वीडियो को आपको एडजस्ट करना होगा। तो कैसे एडजस्ट करते हैं, चलिए फिर वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों, सिंपली हमने यहाँ पर काइन मास्टर पर आ गया, काइन मास्टर पर आ जाने के बाद सिंपली आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करके आपको 16.9 जो फ्रेम है इसी फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हो, जो वीडियो को आपने रिकॉर्डिंग किया हो, उसी रिकॉर्डिंग किया हुआ वीडियो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन में हम आएंगे और ये रहा वीडियो वाला जो ऑप्शन जो हमने गेम प्ले रिकॉर्डिंग किया था, तो इसी गेम प्ले वीडियो को हम यहाँ पर लाएंगे और सिंपली हम फास्ट में चलाएंगे यहाँ पर सबसे पहले। तो हमने टोटली हमने फास्ट में आ गया और यहाँ से हमने गेम प्ले को स्टार्ट किया था। अगर जो भी हमने बोला था, अगर छोटा मोटा इधर उधर काट कुट आपको लगाना है, अगर वीडियो को छाट करना है, तो सिंपली आपको वीडियो वाला ऑप्शन में टच कीजिए और इधर में ऊपर में जो कांची वाला ऑप्शन आएगा, कांची वाला ऑप्शन में टच करके लेफ्ट साइड में आप क्लिक कीजिए, लेफ्ट साइड में जो भी वीडियो वो कट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आप अपने लेयर वाला ऑप्शन में आइए, क्योंकि हमने जो फेस कैम ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली मीडिया ऑप्शन में आएंगे और मीडिया ऑप्शन में आ जाने के बाद सिंपली इधर में जो हमने ओपन कैमरा से हमने रिकॉर्ड किया था और ओपन कैमरा ऑप्शन में आएंगे, फोल्डर में आएंगे, ओपन कैमरा फोल्डर में, ये रहा ओपन कैमरा फोल्डर, सिंपली इसी फोल्डर में आएंगे। तो ये रहा वीडियो का जो ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट वाला वीडियो इसको हमने किया था। इसके बाद इसी वीडियो को थोड़ा आप क्रॉप भी कर सकते हो, ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉपिंग बोल के ऑप्शन होता है, सिंपली क्रॉपिंग में जैसे टच करते हो इसको आप छोटा ऐसे साइड को भी आप कट कर सकते हो। इसके बाद ऊपर में जो राइट वाला ऑप्शन है, सिंपली ऊपर में राइट वाला ऑप्शन में टच कर दीजिए और ये जो वीडियो इसकी वीडियो को और एक बार टच करके सिंपली इसको बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ से। तो हमने छोटा सा करके सिंपली एक कॉर्नर पे यहाँ पर हम लगा देते हैं और इसके बाद सिंपली ऊपर में राइट वाला चिन्हों में टच कर देंगे और इसके बाद सिंपली आप वीडियो को एक बार गेम प्ले कीजिए। और इसके बाद सिंपली आप चाहे तो इसी वीडियो का वॉल्यूम आप थोड़ा कम करने के लिए इसी वीडियो वाला ऑप्शन में टच कीजिए। दोस्तों, ऊपर में जो स्पीकर वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, सिंपली स्पीकर ऑप्शन में टच करके गेम का जो साउंड है आप बड़ा घटा सकते हो, सिंपली हम कम कर देंगे ताकि हम जो भी बोल रहे हैं अच्छे से सुनाई दे। इसके बाद सिंपली राइट चिन्हों में क्लिक कर देंगे और नीचे जो आप देख सकते हो जो हमारा फेस कैम वॉल्यूम है, इसको हम स्पीकर ऑप्शन में आएंगे और वॉल्यूम को थोड़ा बड़ा ज़्यादा कर देंगे। ऑलरेडी मैं हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसा करके आपको बढ़ा देना है और उसके बाद सिंपली राइट चिन्हों में क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप चाहे तो इसमें आप ऑडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑडियो सिलेक्ट करने के लिए ऊपर में साइड ए साइड में आपको ऑडियो बोल का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो ऐप में आपके फाइल पे आपके डिवाइस में जो भी ऑडियो है इधर में आ जाएगा और इधर में आप फोल्डर में भी सिलेक्ट कर सकते हो, सॉन्ग रिकॉर्डिंग फोल्डर एल्बम, ठीक है,
तो जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लगता है आप सिंपली यहाँ पर टच करके सिंपली प्लस वाला आइकन में टच करके आप राइट चैनल में क्लिक करेंगे, इधर में बोल जो कि सॉन्ग ऐड हो जाएगा। सिंपली हम इधर में सॉन्ग को ऐड नहीं करेंगे तो फिलहाल के लिए, क्योंकि हम साउंड दे रहा हो और गेम का भी साउंड हो जाएगा तो सभी के साउंड एक साथ रहेगा तो गेम थोड़ा मतलब अच्छा नहीं सुनाई देगा। आपको करना क्या है, जो भी अच्छा लगे आपको भी अगर सुनने अच्छा लग रहा है तब ऐसा करना है, तब आप सॉन्ग दे सकते हो, ठीक है, अगर आप अच्छा लग रहा है। इसके बाद सिंपली हमने जो वीडियो यहाँ तक हमने बनाया था फेस कैम के साथ गेम प्ले किया था आपसे बात करते करते, तो सिंपली हम इसी वीडियो को एक बार टच करेंगे, ऊपर में जो राइट काची वाला ऑप्शन आएंगे काची में टच करेंगे और राइट साइड में जो ऑप्शन है इसको सिंपली टच कर कट कर देंगे और राइट साइड में जो भी वीडियो है ये कट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो इसी जो वीडियो है इसी वीडियो में एक बार टच करके ऊपर में इसको थोड़ा स्क्रॉल करके एडजस्ट बोल के ऑप्शन आता है, एडजस्ट ऑप्शन में आएंगे तो आपने इसका जो कलर है कलर को थोड़ा बड़ा घटा सकते हो, ठीक है, तो और भी अच्छा देखने के लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से काइनमास्टर में ये एक हो जाता है, ठीक है, अपने जो वीडियो का कलर है थोड़ा और भी अच्छा खासा कर सकते हो। उसके बाद सिंपली ऊपर में राइट वाला ऑप्शन है राइट में क्लिक कर दीजिए, तो अपने हिसाब से ये जो कलर है कलर आप एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपको देखने में और भी अच्छा लगे। और इसके बाद टोटली जो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा एक बार आप प्ले करके देख लेना कि आपकी जो वीडियो पूरा भी फ्रेश और पूरा अच्छा सुनने में लग रहा है ये आपको देख लेना। इसके बाद सिंपली ऊपर में जो शेयर वाला ऑप्शन है शेयर वाला ऑप्शन में टच कर देना है। शेयर वाला ऑप्शन में जैसे टच करेंगे वो आपको HD फुल HD आपको देखने को मिल रहा है, तो अगर आप चाहे तो आप HD सिलेक्ट कर सकते हो 720 और इसको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप नीचे जो एक बिट रेट ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसको आप हमेशा आप 10 से ऊपर रखिए ताकि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना फटे अच्छा लगे सबसे। तो मैं हमेशा 11-12 बिट रेट रखता हूँ, उसके बाद इसको मैं बढ़ा देता हूँ, उसके बाद सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आप चाहे तो 1080 भी पिक्चर क्वालिटी रख सकते हो ट्रेंड बिट रेट को हाई करके, ठीक है, तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा हो जाएगा, चाहे ये जो MB है आपको बड़ा हो जाएगा, वीडियो का जो फाइल है बड़ा हो जाएगा लेकिन पिक्चर क्वालिटी अच्छा रहेगा। और उसके बाद एक्सपोर्ट में क्लिक करके आप इसी वीडियो को आप चाहे तो किसी जगह पर आप शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड कुछ इस तरफ से काफ़ी आसने से अपने फ्री फायर गेम प्ले वीडियो फेस कैम के साथ आप काइन मास्टर से आप बना सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर अपने चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक नया वीडियो के साथ हाजिर हूं, तो बोले जय हिंद वंदे मातरम।